VN वीडियो एडिटर को पीसी में कैसे इंस्टॉल किया जाए, यानी कि लैपटॉप में कैसे वीडियो एडिटिंग की जाए, वो भी VN वीडियो एडिटर में। आज हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप ये काम कर लेंगे और 100% वर्किंग है ये काम VN को पीसी में चलाना। तो चले सीखते हैं। जैसे ही हम लोग VN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक बटन दिखता है VN फॉर विंडो। इस पर क्लिक करने के साथ ही हमें एक प्रोसेस दिखाया जाता है। VN खुद कहता है कि आपको VN को चलाने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आपने अपने क्रोम ब्राउजर पर आना होगा और यहाँ पर आकर के ये लफज लिख लेना होगा ब्लू स्टैक। इसके बाद सबसे पहली वाली ये वाली वेबसाइट आएगी bluestacks.com, आपने इसे ओपन करना है। इसके साथ ही ये वाला एक ब्लू स्टैक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने डाउनलोड के बटन पे करना होगा क्लिक और आपका ये वाला सॉफ्टवेयर ये देखें हो चुका है डाउनलोड। नाउ अब हमें इसे इंस्टॉल करना है और फिर हमारा VN हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में चलने लग पड़ेगा। तो हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक और इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो अब हम करते हैं इंस्टॉल नाउ। तो ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये जो है ना इंटरनेट के जरिए लाइव इंस्टॉल होता है, तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। एक और बात जो आप लोगों को अपने जहन में रखनी है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ब्लू स्टैक ये काफी हैवी है, तो अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा पुराना है या ओल्ड है तो ये आपके कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और अभी वो चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से हम आप करेंगे इसको देते हैं हम कट। ये हमें बता रहा है ये अब ना बेसिकली आपका पूरा एंड्रॉइड मोबाइल बन चुका है। तो इस एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर अब हम अपनी हर चीज यानी कि VN ऐप को करेंगे ओपन। गूगल प्ले ऐप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा गूगल प्ले स्टोर खुल गया है। तो अब हमें इसे अपने किसी भी अकाउंट के साथ साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें अपनी गूगल की कोई भी ईमेल लगानी पड़ेगी। तो ये देखें भैया मुबारक हो, हमारा प्ले स्टोर जो है ना वो गया है खुल। और यहाँ पर अब हम जो भी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड मोबाइल में होती है वो उसकी सर्च मारेंगे। तो ये देखें VN वीडियो एडिटर लिखा, एंटर मारा तो सबसे पहले हमारे सामने आ गई। तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल, जैसे कि हम अपने मोबाइल में करते हैं। और यहाँ से सारी ऐप्स आ गई, जिसको भी आप टिकटॉक को भी जिसको भी इंस्टॉल करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा VN वीडियो एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आप ओपन नाउ के ऊपर क्लिक करके भी इसे चला सकते हैं या सीधा आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा। तो ये देखिए VN यहाँ पर भी आ गया है, तो आपने सिंपल इसे कर लेना होगा डबल क्लिक करके ओपन। तो यहाँ पर खुल जाएगा इसी ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो है ना वो ओपन होगा। तो ये देखिए हमारा जो है ना VN वीडियो एडिटर खुल चुका है। अब हमें थोड़ी सी इसे परमिशन देनी होगी तो फिर हम इसे चला सकेंगे। तो नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर चीज अब सही हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक और यहाँ से गॉट इट करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी फाइल लाएंगे। अगर आपकी यहाँ पर फोटो या वीडियो ना आए तो आपने सिंपल यहाँ से कट कर देना है, दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट करना है तो जितनी भी तस्वीरें होंगी वो आ जाएंगी। जैसा कि मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, हम यहाँ से ये 4 तस्वीरों को करते हैं अपलोड और जाते हैं VN के अंदर और जाकर के देते हैं छोड़। 2-3 सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना है। फाइनली इसके बाद जब आपकी तस्वीरें यहाँ पर नहीं आती तो आपने इसे कट करना है, दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसा कि आपने देखा ये 4 की 4 फाइलें यहाँ पर आ गई। अब जिस फाइल को आपने एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर सबको ले जाना है तो सबके ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और फिर वीडियो एडिटर की सूरत में आपकी VN ऐप खुल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा VN वीडियो एडिटर मुकम्मल तौर पर चल चुका है। जैसे मोबाइल में हम वीडियो एडिटिंग करते हैं सेम वही तरीका है और हर चीज वही है। तो यहाँ से आपने जैसे भी आपकी वीडियो को करना है एडिट तो वो करें, जहाँ से कट लगाने हैं तो कट लगाएं, जहाँ से स्पिल्ड करना है तो स्पिल्ड करें, बिल्कुल मोबाइल के जैसा ये सारा काम जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फाइनली जैसे ही आपने अपनी वीडियो एडिटिंग मुकम्मल कर देनी है आपने करना है इस वाले बटन के ऊपर क्लिक। तो यहाँ से जो है ना रेजोल्यूशन वगैरह आपने कर लेनी है सेट जो भी हुआ। इसके बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी जो है ना वो वीडियो एक्सपोर्ट यानी के सेव होना शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप इसे फुल बड़ा करके भी प्रिव्यू देख सकते हैं। तो फिर आपकी वीडियो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में यानी के कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आप आपकी अपनी वीडियो का टाइटल दे सकते हैं, इसके बाद सेव ओनली कर सकते हैं, तो आपकी जो है ना वो वीडियो सेव हो जाएगी।
तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आप जो है ना वीएन पर फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं कि कैसे वीडियो एडिटिंग सीखी जाए, तो नीचे कमेंट कर दें। कोई भी मसाला हो तो भी नीचे कमेंट कर दें। और अब अगर आप सोशल मीडिया से यानी कि फेसबुक से इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें।